हेलो एवरीवन, आज 22 मई है। कल हम श्री केदारनाथ का ट्रैक कंप्लीट करके आए थे, तो बहुत टायर्ड हुए थे। तो कल रात हमने यहीं सिरसी में एक होटल में स्टे किया और आज हम चेकआउट कर रहे हैं, निकल रहे हैं त्रियुगी नारायण के लिए, जिसका रास्ता सोनप्रयाग पार्किंग के अपोजिट साइड में है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अभी मैं सीतापुर में हूँ और ये जो लंबी लाइन दिखाई दे रही है, ये सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए टैक्सी के लिए है, जो कि करीब 2.5 किलोमीटर लंबी लाइन है। तो आप देख सकते हैं इस समय केदारनाथ जाने के लिए कितनी भीड़ लगी हुई है। सीतापुर और सोनप्रयाग दोनों की पार्किंग फुल है, इसलिए जहाँ से गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है, लोग वहीं से पैदल उतर के लाइन में खड़े हो जा रहे हैं। और इस तरह से लाइन कम से कम 2.5-3 किलोमीटर लंबी है। हम सोनप्रयाग पार्किंग पहुँचने वाले हैं, हमारे राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहीं से पार्किंग के एंट्रेंस से अपोजिट साइड में त्रिवेणी के लिए रास्ता जाता है, यहाँ से करीब 13 किलोमीटर की डिस्टेंस है। त्रिवेणी मंदिर जाने के लिए हमने टर्न ले लिया है और ये रास्ता काफ़ी अच्छा है, भीड़ भी कम है, इस पर ट्रैफिक ऑलमोस्ट जीरो है। इसका सबसे बड़ा रीज़न यह है कि इस जगह के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम लोग ही जाते हैं यहाँ पे। इन रास्तों पर भी व्यूज़, नज़ारे आपको वैसे ही मिलेंगे जैसे पूरे उत्तराखंड में मिलते हैं। चारों तरफ हरियाली है, पहाड़ है, वैलीज हैं और उनसे उनके बीच से होकर ये रास्ते हैं। बाइक को हमने रोड के साइड में ही पार्क कर दिया है, क्योंकि ये एक छोटा सा विलेज है तो यहाँ पर पार्किंग की कोई ख़ास सुविधा नहीं है। वैसे यहाँ भीड़ भी कम ही होती है तो पार्किंग कोई बड़ी इशू नहीं है। और रोड से करीब 100 मीटर ही मंदिर है तो ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ेगा। ये आपके सामने है त्रियुगी नारायण मंदिर, जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। ये यहाँ का ब्रीफ हिस्ट्री है, वीडियो को पॉज करके पढ़ लें। ऐसा कहा जाता है कि इस एज शादी हुई थी, विवाह हुआ था, इसे ब्रह्मा जी ने करवाया था और सारी जो देख रेख अरेंजमेंट थी वो विष्णु जी की, इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। ये यहाँ के नियरेस्ट विजिटिंग प्लेसेस हैं, उनका डिस्टेंस दिया हुआ है। ये यहाँ पर 3 कुंड बने हुए हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि शादी में जितने भी देवताओं और संतों ने भाग लिया था
उन्होंने उसके बाद यहाँ पर स्नान किया था, तो इन कुंडों में स्नान करने का भी अपना एक अलग ही महत्व है। ये कुंड है ब्रह्म कुंड, रुद्र कुंड और विष्णु कुंड। साथ में यहाँ एक और कुंड है सरस्वती कुंड, जहाँ पर स्नान नहीं किया जाता बल्कि उसके जल से आचमन किया जाता है। यह मंदिर अति प्राचीन और पौराणिक है, तो यहाँ बहुत से लोग अपनी साड़ियाँ भी करते हैं, और अब देखिए सजावट भी की गई है। इस सामने ब्रह्मकुंड है, और अब आपको बताता हूँ इस मंदिर का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में। इसका स्ट्रक्चर आपको केदारनाथ मंदिर के जैसा ही मिलेगा। इस मंदिर में एक हवन कुंड है जो कि तीनों युगों से जलता आ रहा है, इसलिए इसका नाम त्रियुगी नारायण पड़ा है। चलिए आपको अब वो हवन कुंड दिखाता हूँ। यही है वो हवन कुंड। चलिए अब वापस चलते हैं, क्योंकि आज शाम को हमें गंगोत्री पहुंचना है। और चलने से पहले आपको इस गांव के आसपास के व्यूज़ दिखा देता हूं मैं, कितनी खूबसूरत जगह है ये। हमने जहां पे बाइक पार्क किया है वहां से चारों तरफ का ये खूबसूरत नज़ारा है, देख सकते हैं आप ऊंचे ऊंचे पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए, और कितनी सुंदर वैली है ये। रास्ते में नीचे आते समय हमें सोनप्रयाग के पार्किंग का ऊपर का व्यू दिखाई दे रहा है। देखिए कितनी ह्यूज पार्किंग है, और ये पार्किंग की थर्ड फ्लोर है, टॉप फ्लोर, इस पर गाड़ियों की कतार दिखाई दे रही होंगी। और यहीं से गौरीकुंड के लिए भी टैक्सी मिलता है। इन्हीं रास्तों से नीचे आते समय आपको सीतापुर के पार्किंग की एरियल व्यू दिख जाएगी, और यह है सीतापुर की पार्किंग। ये पार्किंग भी बहुत बड़ा है, लेकिन कंपेरेटिवली जो सोनप्रयाग की पार्किंग है उसे छोटा है। हम सीतापुर पहुंचने वाले हैं, और इस समय दिन के 10 बज रहे हैं, तो अभी रास्ता लंबा है गंगोत्री धाम पहुंचने शाम को। तो चलिए मिलते हैं गंगोत्री धाम में।